नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। गढ़ते गढ़ते फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में 32,000 नए केस आए सामने और 624 मौत हुई दर्ज। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री SCO की बैठक में होंगे आमने सामने, अफगानिस्तान होगा बातचीत का अहम मुद्दा। कोरोना के बीच कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन, संज्ञान केंद्र और UP सरकार को भेजा नोटिस। चंडीगढ़ में बड़ी चोरी, सेक्टर 11 के एक घर में हुई चोरी, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की पार, कैश पर भी किया हाथ साफ। चंडीगढ़ में महंगाई की मार, बिजली बिल में वास्तविक खपत से ज्यादा के टैक्स, पानी बिल के साथ आ रहा गार्बेज चार्ज। पंजाब से डराने वाली खबर, कोरोना में मृत्यु दर में देश के पहले नंबर पर पहुंचा पंजाब, महाराष्ट्र को छोड़ा पीछे। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हाईकोर्ट, आयकर आयुक्त के फैसले को दी चुनौती, 27 जुलाई को होगा फैसला। हरियाणा के नए राज्यपाल के सामने कई चुनौतियां, किसान आंदोलन के बीच सभी पक्षों को बिठाना पड़ेगा सामंजस्य। सोनीपत में स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, देह व्यापार के आरोप में 5 युवतियों को और 3 युवकों को दबोचा। हिमाचल में मौसम का कहर, हिमाचल में 142 सड़कों पर यातायात ठप, 211 पेयजल योजनाएं भी हुई प्रभावित, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के 12वीं का कक्षा का रिजल्ट आया सामने, 92% रहा परिणाम, पुष्पेंद्र ने हासिल किए पूरे 500 अंक। नोएडा में 4 साल का बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित, खांसी जुकाम के साथ पेट में भरा पानी। दिल्ली के सिलमपुर मार्केट, रानीबाग मेन मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी बंद, टूट रहे थे कोविड नियम। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।